हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संदीप संगवान, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शहरी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्हेन द इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और फूड प्रोडक्ट रीचेस टू द कोलन में पहुँचता है टू गेट फर्दर डाइजेस्टेड, जो है दोबारा से आगे फर्दर डाइजेशन के लिए, एंड गेट्स डिहाइड्रेटेड बाई द एंजाइम्स, और जो एंजाइम जो वहाँ पे होते हैं उसको फर्दर डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फूड पार्टिकल जो है ना, एक बोलस की फॉर्म ले लेते हैं, एक लंप की फॉर्म ले लेता है, एंड दिस लंप और बोलस इज नोन एज स्टूल, उसी को जो स्टूल कहा गया है। व्हेन द इंजेस्टेड फूड प्रोडक्ट रीचेस टू द कोलन टू गेट फर्दर डाइजेशन एंड गेट्स डिहाइड्रेटेड बाय द एंजाइम सेक्रेटेड देयर एंड गेट्स अ बोलस फॉर्म, एक बोलस की फॉर्म लेता है, दिस बोलस और लंप मटेरियल इज नोन एज स्टूल। यूजली द लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द कोलोन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें क्या रहता है कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर, आंतों के अंदर जो इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि भोजन को डाइजेशन के अंदर जो है ना हेल्प करते हैं। तो ये बताया कि यूजली द लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन जो है ना अकर्स इन द कोलोन, कोलोन के अंदर होती है, थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कोलोन, ठीक है ना। और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो है ना म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है ना। द ग्लैंड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट म्यूकस रेदर देन द एंजाइम्स, एंजाइम्स की बजाय जो है ना वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करती है। ये म्यूकस जो होता है ना वो उसकी बैक्टीरिया के बाद जो है ना फर्दर डिग्रेडेशन जो उसकी होगी, ठीक है ना, उसमें चाइन बनाता है। यही म्यूकस जो है ना उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है ना उसमें से चाइन बनाता है, और इस कोलोन के इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो है ना कुछ फर्दर एब्जॉर्प्शन भी बनता है कुछ न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर हैं, साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो फर्दर जो है ना एब्जॉर्प्शन जो है उसका बनता है। और उसके बाद जो है ना जैसे ही फूड पार्टिकल जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यानी कि कोलोन में पहुंचता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है ना इसमें थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है ना वाटर का बनेगा, वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होके और जो है ना सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, सॉलिडिफाई बन जाता है। और यही जो है ना इसको जो है इसी को जो है सॉलिडिफाइड मैटर को, लंप को ही जो है ना स्टूल बताया गया है। इसमें क्या कि ड्यूरिंग द पासेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन अलोंग विद मैनी अदर कंपाउंड सच एज विटामिन मिनरल्स साल्ट एंड आर एब्जॉर्ब, फिर से एब्जॉर्ब होते हैं। एज अ चाइन डिराइव्ड फ्रॉम द फूड रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन, जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉर्मली कंप्लीटेड, कि ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोर वाटर एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ना फिर भी कुछ वाटर एंड कुछ एक जो ना सॉल्ट जो ना फिर उनका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है, एंड इट टेक्स 36 आवर्स फॉर द सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना, और उसको सॉलिडिफिकेशन होने में अराउंड जो ना 36 आवर्स का टाइम लगता है। ऑफ रिमेनिंग मटेरियल दैट सॉलिड रेजिडुअल मैटर इज नोन एज फीसिस, और इसी सॉलिड जो है ना रेजिडुअल मैटर को ही जो ना फीसिस कहा गया है। बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया फर्मेंट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैसेस, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेशन करके फर्दर से और कुछ गैसेस की फॉर्मेशन बनती है, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और यही गैसेस को ही जो है ना, ठीक है, इनको जो ना फ्लेटस कहा जाता है। दीज गैसेज कंट्रीब्यूट टू फ्लेटस इन द कोलोन, कोलोन के अंदर ना फ्लेटस का रूप लेती है। अब है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ फीसेस डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, कि जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी रहेगी, कि लूज कंसिस्टेंसी रहेगी या हार्ड रहेगी, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो डिपेंड करता है कि हमने जो कंटेंट्स क्या लिए हैं और उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। दैट हैज बीन कैरिड आउट दैट कंसिस्टेंसी ऑफ फीसेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सच फैक्टर्स एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, कि गेस्ट इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ डाइट इंजेस्टेड, और जो भोजन जो हमने लिया है, जो आहार जो लिया है, उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। इट हैज हाउएवर बीन शोन दैट एन एक्सक्लूसिवली वेजिटेरियन डाइट जनरली यील्ड्स ए लार्ज बल्क ऑफ फीसेस एंड इज सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, कि क्या बताया कि जो शाकाहार जो डाइट ली जाती है ना, शाकाहार डाइट के अंदर जो ना जो स्टूल जो बनेगा वो बल्क मात्रा के अंदर होता है, यानी कि अधिक मात्रा के अंदर बनेगा, एंड विल बी द एंड विल बी इन सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के अंदर जो है ना वो सॉफ्ट रहेगा। वेयर एज मीट डाइट, यानी कि मांसाहार डाइट जो है, मीट डाइट इज सीन टू प्रोड्यूस ए लेसर क्वांटिटी
लेसर क्वांटिटी ऑफ हार्डर फीसिस, और जो मांसाहार जो भोजन जो रहेगा उसमें जो है ना स्टूल जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर बनेगा, लेस क्वांटिटी के अंदर बनेगा, बट इन द हार्डर कंसिस्टेंसी, कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हार्ड रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग था, फीसिस के रिगार्डिंग, उसकी कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग बताया गया था कि कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो वाटर इंटेक पे डिपेंड करता है कि वाटर इंटेक जो कितना लिया जाता है और उसमें अब्सॉर्प्शन कितना होता है। दूसरा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है मदर इंटेस्टाइन, उसकी मोटिलिटी पर डिपेंड करता है, मोटिलिटी बहुत तेज होगी तो उसके इसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है ना वो लूज कंसिस्टेंसी रहेगी, और अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अगर जो है ना वो स्लो रहेगी तो जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो हार्ड रहेगी। नेक्स्ट क्या बताया कि आहार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भोजन जो हमने लिया है, जो डाइट जो ली है उसकी प्रकृति कैसे है, ठीक है ना। जैसे कि जो शाकाहार डाइट वालों में बताया कि जो शाकाहार डाइट लेने से जो है ना स्टूल बल्क फॉर्म में बनेगा, इनकी अधिक मात्रा में बनेगा एंड विल बी सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के अंदर जो है ना सॉफ्ट रहेगा। वहीं पर जो मांसाहार, ठीक है ना, नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वहाँ पर स्टूल जो हार्ड बनेगा एंड विल बी इन द लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के अंदर बट इन हार्ड कंसिस्टेंसी जो है ना वो रहेगा। अब आता है डेफिकेशन, कि डेफिकेशन होता क्या है। द वर्डिंग ऑफ फीसिस इज नोन एज डेफिकेशन, कि स्टूल को आउट करना, वर्डिंग ऑफ फीसिस इज नोन एज डेफिकेशन। फीसिस इज फॉर्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बनता है एंड स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन के अंदर जो है स्टोर होता है। बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, जब उसको स्टिमुलस मिलता है कोलोन के अंदर, इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द रेक्टम, रेक्टम के थ्रू जो ना ये आउट हो जाता है। तो डेफिकेशन में क्या बताया गया है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ वर्डिंग ऑफ द फीसिस, कि फीसिस को वर्ड करने के प्रोसेस को ही जो ना डेफिकेशन कहते हैं। और फीसिस जो बनता कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनेगा एंड विल बी स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन के अंदर जो ना स्टोर रहता है। और जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही उसको जो पर्टिकुलर एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलता है, इट विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द रेक्टम, रेक्टम के थ्रू जो है ना ये आउट हो जाता है। अब आते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स, कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है। इसमें बताया गया कि मास मूवमेंट डिराइव्स द फीसिस इनटू द सिग्मोइड कोलोन, कि जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट, जो मूवमेंट रहेगी, बोलस जो बनी है उसकी मूवमेंट से ही जो है ना ड्राइव द फीसिस इनटू द सिग्मोइड कोलोन, वो फीसिस को जो है ना सिग्मोइड कोलोन के अंदर जो है ना ये आगे की तरफ पुश कर देता है। इन द सिग्मोइड कोलोन द फीसिस इज स्टोर्ड, सिग्मोइड कोलोन के अंदर फीसिस जो है ना स्टोर रहता है। द डिजायर फॉर डेफिकेशन अकर्स When some feces enters rectum due to the mass movement, ठीक है ना। और desire कब generate होगी, जब generate होगी जब sigmoid colon से कुछ हिस्सा जो है ना feces का, stool का जो है ना rectum की तरफ जो है ना push होता है, ठीक है ना, rectum की तरफ push होगा by the peristaltic movement, यानी कि mass movement से जो है ना जैसे enter होगा rectum के अंदर enter होता है, उसे defecation reflex जो generate बनता है। Usually the desire फॉर डेफिकेशन इज एलिसाइटेड बाई द इंक्रीज इन द इंट्रारेक्टल प्रेशर, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही रेक्टम के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, इन दैट केस जो है ना ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। इट इज एलिसाइटेड बाई द इंक्रीज इन द इंट्रारेक्टल प्रेशर। अब आता है आर्ट ऑफ डेफिकेशन, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया, एक्ट ऑफ डेफिकेशन इज प्रिसीडेड बाई द वॉलंटरी इफेक्ट, ठीक है ना, ये टोटली वॉलंटरी इफेक्ट से होता है। लाइक एज्यूमिंग एन एप्रोप्रिएट पोस्चर, यानी कि एप्रोप्रिएट पोस्चर लेने से वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है ना, रेक्टम के जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसके वॉलंटरी रिलैक्सेशन से जे, एंड द कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स बाई वॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, के एब्डोमिनल मसल्स की जो है ना वॉलेंट्री कंप्रेशन, ठीक है ना, उसकी कंप्रेशन देन के एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर कंप्रेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है ना, एंड बाय इन एप्रोप्रिएट पोस्चर, एप्रोप्रिएट पोस्चर लेने से जो है ना ये डेफिकेशन प्रोसेस के बताया गया कि एक्ट ऑफ डेफिकेशन कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम, इस डेफिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि रेक्टम का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम, जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना। उसके अंदर डेफिकेशन इसमें क्या रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी रेक्टम के अंदर, और उससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ जो है ना जो स्फिंक्टर हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ रेक्टम जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसमें एक रिफ्लेक्स और भी बताया है, जैसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स,
गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेक्टम, रेक्टम की कॉन्ट्रेक्शन फॉलोड बाय द डिजायर फॉर डेफिकेशन कॉज बाय डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बाय फूड, यानी कि फूड की फर्दर इंटेक से जैसे ही फूड जो है एक्स्ट्रा फूड जो लिया जाएगा और उससे एब्डोमिन की जो है ना स्टमक की डिस्टेंशन जब बनती है ना उससे भी जो निस्तार रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है। दिस रिफ्लेक्स कॉजेज ओनली वीक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेक्टम, इससे सिर्फ कुछ हल्की फुल्की ही जो है ना कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होती हैं, बट इट इनिशिएट द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, बट फिर भी जो है ना ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करने में जो है ना हेल्पफुल रहता है। अब आगे नेक्स्ट आता है कि मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन रिफ्लेक्स, डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, तो इसके अंदर कुछ नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके रिगार्डिंग में बताया गया है। जैसे व्हेन रेक्टम इज डिस्टेंडेड ड्यू टू द एंट्री ऑफ फीसेस बाय मास मूवमेंट, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बढ़ती है उससे रेक्टम जो ना डिस्टेंड होगा बाय द एंट्री ऑफ फीसेस, जैसे इसके अंदर फीसेस की एंट्री होगी उससे जो है ना रेक्टम डिस्टेंड हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर स्टिमुलेटेड, इससे क्या होगा कि जो सेंसरी नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और वहां से जो है ना डिफरेंट नर्व फाइबर्स ऑफ पेल्विक जो है पेल्विक नर्व जो है ना वो वहां से सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करेगी। सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर स्टिमुलेटेड, इम्पल्सिस फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स आर ट्रांसमिटेड वाया एफरेंट फाइबर्स ऑफ पेल्विक नर्व, पेल्विक नर्व के एफरेंट फाइबर से जो है ना वो इम्पल्स जनरेट होके और आगे की तरफ जो मूव करेंगी और पेल्विक नर्व टू द डेफिकेशन सेंटर, डेफिकेशन सेंटर तक लेके जाएंगी, ठीक है ना। और डेफिकेशन सेंटर कहाँ पे लोकेट होता है, इट इज सिचुएटेड इन द सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट के अंदर। इसमें क्या पता है कि जैसे ही रेक्टम जो डिस्टेंड होगा टू टू द एंट्री ऑफ फीसिस, फीसिस के एंट्री से बाय मास मूवमेंट सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर स्टिमुलेटेड, सेंसरी नर्व एंडिंग जो है स्टिमुलेट हो जाएंगी और वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होंगी, इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, इन नर्व एंडिंग से जो इम्पल्स जनरेट होंगी, ठीक है ना, आर ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट होती वाया एफरेंट, वाया द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द नर्व पेल्विक नर्व टू द डेफिकेशन सेंटर, डेफिकेशन सेंटर तक लेके जाएंगी। और डेफिकेशन सेंटर लोकेट कहाँ पे होता है, ये लोकेट होता है सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल सेगमेंट में जो है ना इसकी लोकेशन होती है। द सेंटर इन टर्न फिर वहाँ से क्या होगा, सेंट्स मोटर इम्पल्स, वहाँ से मोटर इम्पल्स जो है ना ट्रांसमिट होंगी टू द डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम, रेक्टम को जो है वहाँ से जो है ना ये मोटर इम्पल्स जनरेट होके और वहाँ से सिग्नल जो है सेंड होता है वाया इफरेंट नर्व फाइबर्स ऑफ द पेल्विक नर्व, ठीक है ना। अब वहाँ से सिग्नल गया था किसे, वो गया था इफरेंट नर्व फाइबर से, वापस वहाँ से जो आ रहा है वो आएगा एफरेंट नर्व फाइबर से। द सेंटर इन टर्न सेंड्स मोटर इम्पल्सिस टू द डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम via efferent nerve fibers of the pelvic nerve. The motor impulses causes, ये जो motor impulses जो generate हुई हैं, causes strong contraction of the descending colon, descending colon के अंदर जो है ना strong contraction जो है ना start कर देती हैं, ठीक है, descending colon में, sigmoid colon में और rectum की, and relaxation of the internal sphincter, और इस contraction से क्या होगा, जो anus, जो internal anal sphincter जो है वो जो है रिलैक्स हो जाएगा। साइमल्टेनियसली वॉलेंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर और वॉलेंटरी जो है ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स होता है, इट इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ पुडेंडल नर्व, जो पुडेंडल नर्व है उसके इनहिबिशन की वजह से सारा प्रोसेस होता है बाई इम्पल्सिंग अराइजिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली वॉलेंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर अकर्स, इट इज रिएक्शन कैसे होता है, इट इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ पुडेंडल नर्व, ठीक है ना, पुडेंडल नर्व की वजह से जो है ना इनिशिएट होता है बाय इंपल्सेस अराइजिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो दस एंड्स द चैप्टर डेफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।